दोस्तों, होली का त्योहार प्राचीन काल से ही मनाया जाता है और इसे मानने वालों की संख्या भी करोड़ों में है। ये संपूर्ण भारतवर्ष में होली का त्योहार मनाते हैं। एक बात मैं यही कहना चाहूंगा कि आप होली में पानी की जगह सूखे रंग का प्रयोग करें, उसमें आपकी हेल्थ के साथ साथ पानी का भी बचाव हो जाएगा। हिंदू धर्म में होली का त्योहार लोग आस पड़ोस के घरों में जाकर रंगों से खेलते हैं, मीठे पकवान बनाते हैं और होली का त्योहार होलिका दहन से लेकर अगले दिन तक की होली तक मनाया जाता है। होली के दिन सरकारी अवकाश होता है, सभी प्रकार के संस्थान, कार्यालय, स्कूल और कॉलेज आदि सभी में छुट्टी होती है और होली के दिन वो सिर्फ होली मनाते हैं। होली की शुरुआत छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुड्ढे तक करते हैं। छोटे बच्चे गुब्बारों में पानी भरकर या किसी के ऊपर फेंक भी देते हैं और बुरा ना मानो होली कहकर आगे बढ़ जाते हैं। अक्सर दोस्तों, प्राचीन काल से ही होली भारत का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू धर्म में लोग होली का त्योहार मनाते हैं। होली के रंगों और खुशियों का त्योहार भी कहा जाता है और अक्सर ये त्योहार फाल्गुन मास में मनाया जाता है। ये पर्व 2 दिन का होता है, ये तो आप जानते ही हैं। पहले दिन होलिका दहन, होली के पहले ही दिन होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन जिसे हम धुलेटी के रूप में मनाते हैं, जहां रंगों से खेला जाता है। होली का पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का पैगाम है। लोग होली के पीछे हिरण्यकश्यप और प्रह्लाद की श्री हरि कथा का वर्णित है और भारत के लिए ये एक खुशियों का त्योहार है। सनातन धर्म में होली प्रमुख त्योहारों में से आता है। अक्सर होली का त्योहार वृंदावन, मथुरा, खाटू श्याम जी आदि जैसे मंदिरों में धूमधाम से मनाते हैं और होली के दिन रंगों से, पिचकारियों से, गुलाल, अबीर आदि के साथ खेला भी जाता है। दोस्तों, आप सभी को हैप्पी होली।